हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। टुडे इन दिस लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक जीन फ्रैंकोय लियोटार्ड। सो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेटा नैरेटिव का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट पर्स्पेक्टिव से। सो लेट स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा नैरेटिव गिवन इन बुक, जो इनका कॉन्सेप्ट है जीन फ्रैंकोय लियोटार्ड का, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट मेटा नैरेटिव दिया था इन्होंने अपनी एक बुक में दिया था जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन सेमीकॉलन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। सो देन ही बिलीव्स दैट नॉलेज हैज़ बिकम अ कॉमोडिटी। ये सोचते हैं कि जो ये नॉलेज है यानी ज्ञान है ये एक कॉमोडिटी बन चुका है, ये जो ज्ञान है वो बेचा जा रहा है लोगों को, एंड इट इज़ अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट। और साइमल्टेनियसली जो है नॉलेज को जीन फ्रैंकोय लियोटार्ड समझते हैं कि ये कॉमोडिटी भी है जो कि बेची जा रही है लोगों को पैसों में, एंड साथ ही साथ ये एज अ एम्पावरमेंट का टूल भी है। देन नॉलेज कम्युनिकेटेड थ्रू नैरेटिव्स, ये बताते हैं कि नॉलेज जो है वो नैरेटिव से जो है कम्युनिकेट की जाती है, मतलब स्टोरीज फॉर्म में जो है लोगों को कम्युनिकेट की जाती है नॉलेज। ऑर्डर स्टेबिलिटी यूनिटी ऑफ द मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड इज़ मेटा नैरेटिव। लियोटार्ड बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर स्टेबिलिटी और यूनिटी जो मॉडर्निज्म के अंदर प्रिवेल करते हैं ये सारे मेटा नैरेटिव है, ग्रैंड नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव क्या है वो हम आगे समझेंगे। मेटा नैरेटिव इज़ अ स्टोरी, कि मेटा नैरेटिव जो है वो एक स्टोरी है, अ कल्चर, एक तरह का कल्चर है जो अपने बारे में बताता है, जो अपने खुद के कल्चर के बारे में बताता है कि उसकी क्या बिलीव्स है और वो अपने कल्चर में क्या क्या किन किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। द वे अ कल्चर एजुकेट्स इट्स पीपल बाय गिविंग नॉलेज। और मेटा नैरेटिव साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये जो मतलब किस तरह से जो है कल्चर है वो अपने लोगों को जो है एजुकेट करता है बाय गिविंग नॉलेज, कि किस तरह से जो कल्चर है एक कल्चर है वो लोगों को जो है अपने लोगों को अपने कल्चर के लोगों को जो है एजुकेट करता है नॉलेज देकर, उसे कहा गया है मेटा नैरेटिव। द लार्ज नैरेटिव्स यूज्ड बाय द मॉडर्निस्ट पीपल एंड बाय द पीपल हु केम बिफोर मॉडर्निस्ट वर नोन एज मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव को ये बोला जाता है कि जो लार्ज नैरेटिव जिनको जो है मॉडर्निस्ट लोगों ने यूज़ किया था एंड द पीपल बाय द पीपल हु केम बिफोर मॉडर्निस्ट, कि ये जो मेटा नैरेटिव्स जो है ये एक तरह की लार्ज नैरेटिव्स हैं जिनको जो है मॉडर्निस्ट से पहले आने वाले लोगों ने जो है यूज़ किया था, इसलिए इन्हें बोला गया है मेटा नैरेटिव या फिर ग्रैंड नैरेटिव या फिर लार्ज नैरेटिव्स। इनको जो है मॉडर्निस्ट से पहले आने वाले लोगों ने जो है यूज़ किया था, सो इसे बोला गया है मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव्स आर स्टोरीज़, कि मेटा नैरेटिव जो है स्टोरीज़ है जिसमें जो है कल्चर अपने बारे में बताता है, और ये भी बताता है टोल्ड इन ऑर्डर टू टीच पीपल, और ये इसलिए बताया जाता है ताकि ये जो है अपने लोगों को जो है अपने कल्चर के लोगों को जो है पढ़ा सके, टीच कर सके, एजुकेटेड बना सके, और अपने जो कल्चर में जो बिलीव्स हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है लोगों में जो है इम्बाइब करवा सके। सो मेटा नैरेटिव इज़ अ बिलीफ सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज डेवलप फॉर पर्पस ऑफ। मेटा नैरेटिव क्या है, बिलीफ सिस्टम है, एक कल्चर का खुद का कैसा बिलीफ है, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, और ये इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि जो है उनके कल्चर के लोगों को जो है कंट्रोल किया जा सके, एंड फॉर मेंटेनिंग पर्टिकुलर सोशल, और साथ ही साथ जो है सोशली और पॉलिटिकली जो है कंट्रोल किया जा सके उनके कल्चर के लोगों को। देन दे टेल्स अस फॉल्स एंड इनकम्प्लीट ट्रूथ। जो मेटा नैरेटिव है वो फॉल्स यानी गलत और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बताते हैं। देन यूजिंग मेटा नैरेटिव अ कल्चर इज़ ट्राइंग टू एम्पावर पीपल, कि अगर मेटा नैरेटिव को अगर यूज़ किया जाएगा तो इससे लोग जो है एम्पावर होंगे। सो दे क्रिएट एंड प्रोपागेट अनट्रू नोशन, इनसे क्या होता है गलत आइडियाज़ का जो है प्रचार होता है सोसाइटी के अंदर और कल्चर के अंदर। दीज इंक्लूड अ सोसाइटी इज़ डिपेंडेंट ऑन सच कॉन्सेप्ट, और क्या होता है सोसाइटी के जो लोग हैं इन्हीं नैरेटिव्स पर डिपेंड हो जाते हैं और इन्हें ही जो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मान लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी डेवलप्स की बोला गया है कि हर तरह की, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ तो बोला जाता है कि हर एक सोसाइटी के जो हैं अपने अपने अलग अलग जो है मेटा नरेटिव्स होते हैं जो कि वो खुद के कल्चर के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये मेटा नरेटिव हो गया कि जो इंडियन लोग हैं वो अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने बिलीव सिस्टम्स प्रैक्टिसेस जो भी वो करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कंट्री जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। सो इसे बोला गया है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ये जो हो गया मेटा नरेटिव हो गया, इट इज़ बाई दीज नरेटिव सोसाइटी ट्राई टू क्रिएट ऑर्डर एंड यूनिटी। और इन्हीं नैरेटिव से क्या होता है, सोसाइटी जो है ऑर्डर और यूनिटी जो है क्रिएट करती है अपनी कंट्री के अंदर और साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर भी। देन उन्होंने जो है कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया है लियोटार्ड ने, उन्होंने बोला कि वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड इज़ एट द हाइट ऑफ सिविलाइजेशन। वो बोलते हैं कि ये जो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इस कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज है। एंड फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, अगर हमें ह्यूमन रेस को कंटिन्यू करना करके रखना है तो ये जॉब है वेस्ट की कि ईस्ट के लोगों को जो है सिविलाइज करें। ईस्ट के लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है ईस्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वेस्ट है जो डेवलप्ड कंट्री है उसे जो है वेस्ट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लियोटार्ड का कहना है कि वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड इज़ एट द हाइट ऑफ सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड जो है वो इतना ज़्यादा सिविलाइज है कि अगर हमें अपनी ह्यूमन रेस को अगर कंटिन्यू रखना है तो ये जॉब है वेस्टर्न वर्ल्ड की कि ईस्ट को जो है सिविलाइज बनाए। देन सोसाइटी वॉन्ट टू डोमिनेट एंड मेंटेन पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। इससे क्या होता है, मेटा नैरेटिव से क्या होता है कि जो है एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को जो है कंट्रोल करके रखती है पॉलिटिकली एंड सोशली। देन क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न अलाउ फॉलोज मिनी नैरेटिव। जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है वो मिनी नैरेटिव को फॉलो करता है बजाय कि मेटा नैरेटिव को। मिनी नैरेटिव का मतलब है कि वो नैरेटिव यानी वो स्टोरी जिनमें जो है कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है ना प्रीच किया जाए यानी ना सिखाया जाए, वो ऐसी स्टोरीज़ हैं, दे आर स्टोरीज़ दैट एक्सप्लेन स्मॉल प्रैक्टिसेस। मिनी नैरेटिव वो ऐसी टाइप की स्टोरीज़ है जिनमें जो है स्मॉल टाइप्स की प्रैक्टिसेस को बताया जाता है, लोकल इवेंट्स को जो है लोगों के साथ शेयर किया जाता है विदाउट प्रिटेंडिंग यूनिवर्सलिटी एंड फाइनलिटी। मतलब उसमें जो है मिनी नैरेटिव्स में जो है बड़ी बड़ी बातों का, यूनिवर्सल ट्रुथ्स का, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के लिए जो सच है उन्हें बोला गया एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स, उनका जो है प्रचार प्रसार नहीं किया जाता मिनी नैरेटिव्स में। हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड कल्चर आर ग्रैंड नैरेटिव्स। वो जीन फ्रांकोय लियोटार्ड बताते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स और कल्चर ये सारे क्या हैं, ये एक तरह की ग्रैंड नैरेटिव्स है जिनमें जो है फॉल्सहुड छुपी है और जो है इनकम्प्लीट ट्रुथ है मिनी मेटा नैरेटिव में। और पोस्ट मॉडर्निस्ट डिनाउंस एंड क्वेश्चंस मेटा नैरेटिव्स। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक है वो जो है मेटा नैरेटिव्स को एकदम डिनाउंस करते हैं यानी रिजेक्ट करते हैं, और वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो है फॉल्सहुड है, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है मेटा नैरेटिव से। सो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है कम्प्लीटली जो है मेटा नैरेटिव्स के आइडिया को जो है रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।